समाजवादी पार्टी ने यूपी से 7 राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम अमर सिंह है। दरअसल कभी एसपी नेता रहे अमर सिंह की सालों बाद समाजवादी पार्टी में वापसी हो रही है। वहीं हाल ही में कांग्रेस छोड़कर पार्टी में लौटे बेनी प्रसाद वर्मा को भी टिकट दिया है। बेनी प्रसाद वर्मा हाल ही में कांग्रेस छोड़कर पार्टी में शामिल हुए थे। अमर और बेनी के अलावा सुखराम यादव, रेवती रमन, अरविंद सिंह, संजय सेठ और विशंबर निषाद को भी राज्यसभा का टिकट दिया गया है। राज्यसभा की सूची में पहला नाम है श्री बेनी प्रसाद वर्मा, दूसरा नाम है श्री अमर सिंह, तीसरा नाम है संजय सेठ, चौथा नाम है सुखराम सिंह यादव, पांचवा नाम है रेवती रमन सिंह, छठवां नाम है श्री विशंबर प्रसाद निषाद, सातवां नाम है अरविंद प्रताप सिंह। टिकट बंटवारे से साफ है कि मुलायम सिंह के करीबियों को रेवड़ी मिली है। वहीं सूत्रों की माने तो टिकट बंटवारे के इस फैसले से आजम खान खुश नहीं है। दिल्ली में एमसीडी के चुनावों में सत्तारूढ़ बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी केवल 3 वार्डों में ही अपनी सीट बचा सकी, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अच्छी एंट्री की है। आम आदमी पार्टी ने 5 वार्डों में जीत हासिल की है, जबकि सबसे अच्छी खबर कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस ने भी 4 वार्डों में जीत हासिल की है। ये कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हो सकती है, खास तौर पर तब जब साल भर पहले हुए विधानसभा सीटों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था। बता दें कि अगले साल दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं और अभी 3 एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है। हमें बड़ी खुशी है कि कांग्रेस यहाँ पे 4 सीटें जीती है, खासतौर पे क्योंकि ये 13 ऐसी सीट जहाँ पे बाई इलेक्शन हो रहे थे, जहाँ पे कांग्रेस आज तक इतिहास में कभी नहीं जीती है। पर निश्चित रूप से ये बहुत बेहतरीन शुरुआत रही है आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरना। एमसीडी के उपचुनावों में कांग्रेस को नफा हुआ है। एक तरह से कहें तो दिल्ली में कांग्रेस ने वापसी की है, लेकिन विधानसभा के मुकाबले आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ है। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी हैं, जो दिल्ली बीजेपी प्रतिपक्ष के नेता हैं। आइए जानते हैं सर, कैसे देखेंगे इस जो ये रिजल्ट आया है, 3 एमसीडी पे आपका कब्जा, लेकिन 3 सीट लेके आए हैं भाई। देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, इन परिणामों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत हुई है, क्योंकि एक साल में आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ खो दिया है और जो एक ऑरा बना था वो समाप्त हो गया है। क्योंकि आम आदमी पार्टी को लगभग 54% वोट मिला था विधानसभा के चुनाव में, जो घट करके 29% रह गया है इन चुनावों में, और भारतीय जनता पार्टी को जो लगभग 32% वोट मिला था लोकसभा विधानसभा के चुनावों में, बढ़ करके 34% आ गया। तो यानी कि बीजेपी सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी है, 34% वोट हमको इन चुनावों में मिला है। ये बिल्कुल सही है कि आम आदमी पार्टी का जबरदस्त नुकसान हुआ है, लेकिन बीजेपी को भी कुछ हासिल नहीं हुआ। सही मामले में किसी को हासिल हुआ तो वो कांग्रेस को हुआ है। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि आप भी नहीं बढ़ पाए और कांग्रेस बढ़ गई जबकि उसने कुछ भी नहीं किया। देखिए, हमारा ये कहना है कि कांग्रेस ने जो वोट आम आदमी पार्टी को मिला था पिछले चुनावों में, और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ था, उसमें से कुछ प्रतिशत वोट कांग्रेस को वापस आया है। लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दोनों का वोट बेस एक है और वो एक तरह के ही वोट के ऊपर अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बीजेपी के नेता अपने आप को इस चीज से जरूर समझा रहे हैं कि वोट का फीसदी बढ़ा है लेकिन सीटों के मामले में वो कम है, और इसका असर कहीं ना कहीं मेयर के चुनाव पे जरूर पड़ेगा। मोदी सरकार के 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू के नेतृत्व में मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी ने सभी मंत्रालयों से पिछले 2 साल की उपलब्धियां तलब की हैं। इन्हें अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाएगा। 26 मई को मोदी सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। 21 मई को देश भर के बीजेपी पदाधिकारियों और प्रवक्ताओं की बैठक होगी, जिसमें सरकार के कामकाज के बारे में बताया जाएगा। सरकार 2 साल की उपलब्धियों की एक बुकलेट तैयार करवा रही है। इसे मंत्री, सांसद और दूसरे नेता जनता तक ले जाएंगे। 26 मई से 10 जून के बीच बीजेपी के नेता और सरकार के मंत्री 200 प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैलियों के जरिए उपलब्धियों का प्रचार करेंगे। अध्यक्ष जी या प्रधानमंत्री जी और टीम के साथ बैठ के चर्चा करेंगे। कुछ लोग पार्टी में जाना ऐसा मत बने तो पार्टी में जाने के लिए बहुत लोग तैयार हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस रैली में शामिल हो सकते हैं, हालांकि पीएम का कार्यक्रम अभी तय नहीं है।
बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन को हटाने के लिए पीएम को चिट्ठी लिखी है। पीएम को लिखी चिट्ठी में सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया है कि रघुराम राजन जानबूझकर भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर रहे हैं। स्वामी ने इसके उदाहरण के तौर पर ब्याज दर में बढ़ोतरी के फैसले को बताया है। स्वामी ने ये भी कहा है कि राजन मानसिक तौर पर भारतीय नहीं है क्योंकि वो अमेरिकी सरकार के ग्रीन कार्ड पर यहाँ आए हैं। इसकी जो मंशा है उससे लगता है कि वो कहता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें ब्याज का जो दर है उसको बढ़ाना पड़ेगा। ब्याज के दर बढ़ाओगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान होती है ये मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, जिसमें सबसे अधिकतम जो आम जनता की जो नौकरी पैदा करने वाली इंडस्ट्रीज है वही यही है। ऐसे व्यक्ति जो यूपीए के अपॉइंटी है इतनी इम्पोर्टेंट पोजीशन में क्यों रखना चाहिए? वैसे भी इसका टर्म सितंबर में ख़त्म हो रहा है तो अभी उसकी उसको छुट्टी करके घर भेजना है। रघुराम राजन को यूपीए 2 सरकार ने सितंबर 2013 में आरबीआई गवर्नर के तौर पर नियुक्त किया था। राजन का कार्यकाल सितंबर 2016 में खत्म हो रहा है। सरकार चाहे तो इसे बढ़ा भी सकती है। रघुराम राजन शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। फिलहाल उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी से छुट्टी ले रखी है। अगर राजन का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाता है तो 1992 के बाद वो पहले आरबीआई गवर्नर होंगे जो 5 साल तक इस पद पर नहीं रहे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। यूपी कांग्रेस ने 10 जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्षों को हटा दिया है। जिन अध्यक्षों पर गाज गिरी है वो ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। इनमें मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद के कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। सूत्रों की माने तो ये फैसला उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल रहे राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर और यूपी कांग्रेस प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री के बीच हुई मीटिंग में लिया गया। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर के कुशल चुनाव प्रबंधन का ही नतीजा था कि बिहार में नीतीश कुमार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे थे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी यूपी में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाना चाहती है। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए एक ही एंट्रेंस टेस्ट को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। मुंबई में आज एनईईटी के विरोध में ह्यूमन चेन बनाई गई। इसे लेकर आज मुंबई में एनईईटी के विरोध में ह्यूमन चेन बनाई गई। स्टूडेंट्स के अभिभावकों ने इस साल नीट टेस्ट टालने की मांग को तेज करते हुए मुंबई के मरीन ड्राइव पर विरोध प्रदर्शन किया। असल में पेरेंट्स का कहना है कि उनके बच्चे महाराष्ट्र मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर चुके हैं, ऐसे में अगर उन्हें नीट के तहत एग्जाम देने पड़े तो उन्हें नुकसान होगा। वहीं सूत्रों से खबर है कि सरकार नीट को टालने की तैयारी में है और सरकार इसके लिए फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पर चर्चा के लिए सोमवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ साथ राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल थे। We are on the process. More consultations will be done. कुछ और consultations की जाएंगी और जल्द से जल्द हम इसके निवारण के लिए हम आगे बढ़ेंगे। राज्यों का कहना है कि वो सैद्धांतिक तौर पर इसके पक्ष में हैं, लेकिन इसे अगले साल से लागू किया जाए। बिहार में एक छात्र की हत्या कर देने के आरोपी राउपी यादव की एमएलसी मां ने आखिरकार कोर्ट में सरेंडर कर दिया। मनोरमा देवी ने आज गया कोर्ट में सरेंडर किया। मनोरमा देवी ने आज सुबह गया कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने एक मनोरमा देवी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मनोरमा का बेटा और पति पहले ही जेल में बंद है। आपको बता दें कि मनोरमा का बेटा रॉकी यादव आदित्य हत्याकांड में मुख्य आरोपी है। इस केस की जांच के दौरान पुलिस ने उनके घर से शराब भी बरामद की थी, जबकि बिहार में शराबबंदी लागू है। कोर्ट रूम जाते हुए मनोरमा ने आरोपों को खारिज किया। मनोरमा ने दावा किया कि उनके घर से शराब बरामद नहीं हुई। मनोरमा के मुताबिक उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। कोर्ट को मैं सम्मान करती हूँ, सरकार के साथ हूँ मैं। मेरे यहाँ कोई शराब भाई, मेरे पुत्र का भाई, मेरे यहाँ कोई शराब नहीं निकला। ये तो झूठा बात है। तो ये क्या आपको फंसाया गया है? आपकी ही तो सरकार है। वहीं मनोरमा देवी के वकील का कहना है कि मनोरमा देवी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कोर्ट से डॉक्टरों की निगरानी में रखने की अपील की है। कोर्ट ने 14 घंटे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। उनकी तबीयत खराब है। कोर्ट से हमने रिक्वेस्ट किया है कि वो जेल के डॉक्टर हैं, उनको ट्रीटमेंट में रखा जाए। कोर्ट ने उसको
इससे पहले कल मनोरमा देवी ने गया कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन सोमवार को अदालत में सुनवाई में मामले को 19 मई तक के लिए टाल दिया गया था। छत्तीसगढ़ में सूखे के हालात को लेकर आज मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने भी केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 11 राज्यों में सूखे के हालात पर वहां के मुख्यमंत्रियों से अलग अलग बैठक कर हालात का जायजा ले रहे हैं। आज उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ वहां के सूखे के हालात पर चर्चा की। पीएम ने मदद का पूरा भरोसा भी दिया। पीएम मोदी इससे पहले 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलकर सूखे के हालात पर चर्चा कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के 20 जिलों के 93 तहसीलों को पानी की कमी की वजह से सूखाग्रस्त घोषित किया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक बीजेपी नेता की सरेआम गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई है। तस्वीर में बीजेपी नेता एक आदिवासी महिला के सब्जी की गठरी को लात मारते दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं पावर मेक्स मैन करप्ट, और इसी कहावत को सही साबित किया है एक बीजेपी नेता ने। कैमरे में छत्तीसगढ़ के एक बीजेपी नेता की गुंडागर्दी कैद हुई है। दरअसल अभिलाष तिवारी अपने गनर के साथ इलाके में भ्रमण पर निकले थे। इसी दौरान इन्हें सड़क किनारे सब्जियां बेच रही ये आदिवासी महिला नजर आई। ये बात बीजेपी नेता अभिलाष को इतनी नागवार गुजरी कि ये गुंडागर्दी पर उतर आए, लात मारकर सब्जियां बिखेर दी। महिला इनसे हाथ जोड़कर मिन्नतें मांगती रही, लेकिन इन पर पावर का नशा इस कदर सवार था कि इन्होंने एक ना सुनी। मैंने एक सब्जी वाले भाई के ककड़ी पे बैल मार के हटाने की वो किया, वो मेरी गलती थी, उसके लिए मैंने बार बार माफी मांगी, से भी मैंने आगे माफी मांगी। वही सीएम रमन सिंह का कहना है कि आम लोगों से बदसलूकी करने वाले नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब कोई भी बदतमीजी करता है तो स्थानीय कानून के आधार पर कार्रवाई होती। अभिलाष तिवारी दंतेवाड़ा में सीनियर बीजेपी लीडर विजय तिवारी के बेटे हैं। फिलहाल वो खुद नगर पंचायत के गीदम में अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश के आबकारी मंत्री जयंत मलैया ने शराबबंदी की मांग पर अजीबोगरीब बयान दिया है। जयंत मलैया का कहना है कि शराबबंदी की मांग फैशन हो गई है। आबकारी मंत्री जयंत मलैया के मुताबिक पढ़े लिखे लोग कम शराब पीते हैं, वही आर्थिक रूप से कमजोर ज्यादा शराब पीते हैं, लिहाजा इस आंकड़े पर भी गौर करने की जरूरत है। परंतु जहां आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग रहते हैं या जिनमें शिक्षा का प्रसार कम है, तो निश्चित तौर से वहां इसके जो दुष्प्रभाव होते हैं उसके बारे में उनको जानकारी कम होती है, इसलिए वो शराब का ज्यादा सेवन करते हैं। कांग्रेस का कहना है कि आबकारी मंत्री को आंकड़ों की बयानबाजी करने की जगह शराबबंदी के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस पार्टी वित्त मंत्री जी के बयान की निंदा करती है और उनसे आग्रह करती है कि वित्त मंत्री जी अपना बड़ा मन कर कर सामने आए और शराबबंदी की मांग का समर्थन करें और ये कोशिश करें कि कैसे शराबबंदी लागू उन बनिस्बत इसके कि ये कहें कि शराबबंदी की मांग एक फैशन है। भोपाल में शराबबंदी की मांग को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता शराब की दुकान के सामने धरना दे रहे हैं। के नदी के जंगल को लेकर शुरू हुआ यूपीएमपी विवाद अब और गहराता जा रहा है। मध्य प्रदेश के जल संसाधन विभाग ने यूपी को दी गई जमीन को वापस लेने का फरमान सुनाया है, तो वहीं बांदा सिंचाई विभाग ने बरियारपुर बांध में अवैध ढंग से नहर बना रहे एमपी के ठेकेदारों के खिलाफ अजयगढ़ थाने में तहरीर दी है। मध्य प्रदेश में बनी यूपी के बरियारपुर बांध से पहले जबरन नहर बनाया जा रहा है। इस नहर के निर्माण में यूपी के किसानों की जमीनें भी जा रही हैं, जिसका किसानों ने और बांदा सिंचाई विभाग ने कड़ा ऐतराज जताया है। इसका नतीजा ये हुआ कि एमपी ने पहले नहर का निर्माण कार्य रोक दिया, लेकिन उसके बाद जल संसाधन विभाग भोपाल ने एक पत्र जारी कर समझौते के तहत जो जमीन एमपी ने यूपी को दी थी उसे वापस करने का फरमान सुनाकर नहर का काम दोबारा शुरू कर दिया है। एमपी के द्वारा जो है बरियारपुर से एक नई नहर निकालने की कोशिश की जा रही है, लगातार काम भी चल रहा है उसको। यूपी के क्षेत्रीय जो जमीन है यूपी के मालिकाना हाथ में है, उसको लेकर के पहले उनसे बात की गई थी, अभी तक उनके द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं कराया गया। उसके बाद आज जो है जब उन्होंने दोबारा से काम वापस शुरू किया तो हम लोग गए वहाँ पर और उनको मना किया, काम बंद कराया और उसके बाद एक तहरीर अजयगढ़ थाने में दी गई। एमपी के हट को देखते हुए बांदा सिंचाई विभाग ने अजयगढ़ में ठेकेदारों के खिलाफ तहरीर दी है। सिंचाई विभाग के मुताबिक ये जमीन हमें समझौते में मिली थी और एमपी जबरन इस पर काम करा रहा है। एमपी में पानी की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है।
ग्वालियर में पानी की समस्या के विरोध में लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। पानी को लेकर अब धीरे धीरे लोगों का गुस्सा भी फूटने लगा है। बड़ी संख्या में जमा हुई महिलाओं ने नगर निगम कमिश्नर के घर का घेराव किया। महिलाओं का कहना है कि जब तक उन्हें कमिश्नर की तरफ से भरोसा नहीं मिलेगा तब तक वो उनके घर के बाहर ऐसे ही बैठे रहेंगे। दरअसल धरने पर बैठी महिलाओं का आरोप है कि पिछले एक महीने से इलाके में पानी की किल्लत है। कई किलोमीटर दूर से उन्हें पानी लाना पड़ता है। इस समस्या को लेकर वो महापौर से मिल चुकी हैं। उन्होंने जल्द पानी मुहैया कराने की बात तो कही थी लेकिन अभी तक पानी नहीं मिला, जिससे इस भीषण गर्मी में उन्हें बूंद बूंद पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। कम से कम एक कुछ से पानी लाते हैं, तब बच्चों के पिलाते हैं, नहाते धोते हैं, और गर्मी का माल है, गर्मी का टाइम है, लेकिन मापर के आते गए थे, वहाँ भी सुनवाई नहीं, 25 दिन हो गए घूमते घूमते। इससे पहले देश भर में पानी की किल्लत को लेकर विरोध प्रदर्शन के मामले सामने आते रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरुण राहा ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से तैयार किए गए सुपरसोनिक फाइटर प्लेन तेजस से उड़ान भरी। इसके साथ ही वो इस फाइटर प्लेन को उड़ाने वाले पहले एयरफोर्स चीफ बन गए हैं। भारत में बने लड़ाकू विमान तेजस को एयर चीफ मार्शल अरुण राहा ने करीब 30 मिनट तक उड़ाया। राहा ने इसे भारतीय वायुसेना में शामिल करने के लिए अच्छा फाइटर प्लेन बताया। तेजस को जल्द ही एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि तेजस की पहली स्क्वाड्रन में 4 फाइटर प्लेन होंगे और इसे HAL के हैंगर से ऑपरेट किया जाएगा। 1 साल बाद इसे स्क्वाड्रन को कोयम्बटूर शिफ्ट किया जाएगा। तेजस अब तक 3,050 फ्लाइंग टेस्ट से गुजर चुका है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हर साल 8 तेजस विमान डेवलप कर रही है और इसका लक्ष्य इसे 16 तक पहुँचाना है। रियो ओलंपिक में टिकट की दावेदारी को लेकर ट्रायल की मांग कर रहे स्टार रेसलर सुशील कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने मामले को आपस में सुलझाने की बात कही है। साथ ही रेसलर फाउंडेशन और केंद्र सरकार को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि नरसिंह यादव ने देश को कोटा दिलाया है, इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं सुशील की तरफ से स्पोर्ट्स कोर्ट और चोट का हवाला देते हुए कोर्ट के सामने ट्रायल कराने की मांग रखी गई। फेडरेशन कोर्ट के निर्देश के बाद आने वाले दिनों में सुशील की मौजूदगी में सिलेक्शन कमेटी की बैठक बुला सकती है। मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी। वहीं फेडरेशन के मत से अलग जाते हुए रेसलिंग फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट ने सुशील का समर्थन किया और 27 तारीख दी है और फेडरेशन से जवाब मांगा है, तो अब वो एक सिलेक्शन कमेटी जो जवाब भेजेगी, तो 27 तारीख अब लगी है। सुशील कुमार बेटर है, अगर वो ब्रॉन्ज ला सकता है तो ये गोल्ड ला सकता है। कोर्ट ने कहा कि सुशील कुमार देश के लिए खेल चुके हैं लेकिन नरसिंह यादव को भी उनकी योग्यता को ध्यान में रखकर ही चुना गया है। हरियाणा के जींद में पानी ने 5 दोस्तों की जान ले ली। प्रशासन की अनदेखी के बाद पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए कुएं में उतरे 5 युवकों ने दम तोड़ दिया। दरअसल जींद के निडाला गाँव में पानी की भारी समस्या है। प्रशासन की तरफ से जब कोई उपाय नहीं निकला तो लोगों ने सूखे कुएं को ठीक करने की ठानी। 10 लड़कों ने पानी और कीचड़ निकालने का काम शुरू किया। पहले मोहन नाम का एक लड़का कुएं में नीचे उतरा लेकिन वो दलदल में धंस गया। उसे खोजने के लिए 2 दोस्त नीचे उतरे, वो भी पानी में गुम हो गए। उन तीनों को खोजने के लिए 2 और दोस्त नीचे उतरे लेकिन कुछ देर बाद उनका भी अता पता नहीं चला। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मैं तो गैस बनी हुई थी, तो एक लड़का ने अंदर भेजा था, उन सबसे छोटा लड़का था, मतलब वो देखने के लिए कहा था। जैसे वो हाथ में कहा था ना, तभी उसको गैस चढ़ी और रस्सा छूट गया, वो अंदर गिर गया। तो किसी को ये नहीं समझ में आया कि उसको मतलब गैस की वजह से गया, तो उन्होंने सोचा कोई दौरे वगैरह की प्रॉब्लम होगी, तो उसकी वजह से फिर वो जो नीचे उतारने 2 लड़के एक साथ गए ना, जो संजय और सुचैन नाम थे उनके, तो उनके नीचे जाते ही तो वो भी ऐसे एकदम बेहोश हो गए, तो पता चला कि गैस की दिक्कत है। प्रशासन ने करीबन 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जेसीबी की मदद से 5 युवकों को बाहर निकाला गया लेकिन तब तक जहरीली गैस की वजह से 5 की मौत हो चुकी है।